वैसे मैंने काफ़ी सारी मूवी जो थिएटर्स में ऑलरेडी देख ली है, लेकिन उनका रिव्यू अभी तक नहीं किया। हाँ, उनके बारे में लिख के मैं ज़रूर बैठा हूँ कि भाई साहब इन इन मूवी के बारे में मुझे बोलना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है। अब जैसे ही टाइम मिल रहा है तो काफ़ी सारी जो मूवीज़ मैंने देखी हैं उनका एक ही साथ वीडियो बनाकर, मतलब एक ही वीडियो में नहीं, अलग अलग वीडियो के अंदर सोच रहा हूँ कि उनका रिव्यू कर ही दूँ, ताकि टाइम मिले ना मिले, लेकिन अभी की जो वीडियो है वो धीरे 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 मैं आप सबके सामने लाता रहूँ। खैर, इस वीडियो में जैसे आपने टाइटल और थंबनेल से समझ लिया होगा कि हम किस मूवी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, द इक्वलाइजर 3। इक्वलाइजर शायद मैंने नाम सही से लिया हो, अगर नहीं लिया हो तो माफ़ करना भाई साहब, गलती होगी। खैर, ये जो थर्ड मूवी है, इससे पहले वाली जो सेकंड और फर्स्ट मूवी है, मैंने तो भाई साहब उनका अभी तक नाम भी नहीं सुना था। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, आपने लगा हो, आपको लगता हो कि वो बहुत बढ़िया मूवी रही हो, तो मुझे माफ़ करना कि मैंने नहीं देखी है वो अभी तक मूवी, उनकी स्टोरी नहीं जानता हूँ कुछ भी। ऑब्वियसली जब देखी नहीं है तो स्टोरी कहाँ से जानूंगा। तो इक्वलाइजर 3 के बारे में हम बात करेंगे। अभी हाल ही में थिएटर में शायद आपके आसपास लगी हुई हो, आप देख सकते हो वहाँ पर। तो जो इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिल रही है, जिस तरीके की मूवी है, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं वो मूवी देखी हुई है, उससे रिलेटेड जो इस मूवी के अंदर जो स्टोरी दिखाई गई है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी जो स्टोरीज हैं आपने बॉलीवुड के अंदर भी हमने देख रखी होंगी वो उस तरीके की मूवी। लेकिन बावजूद उसके उस तरीके की मूवी या स्टोरीज हमने देख रखी हैं, ये मूवी आपको मतलब अपने साथ बांधे रखती है, इंटरेस्ट आपके साथ मतलब इस मूवी में आपका बन जाता है। जब मैं इस मूवी को देखने बैठा या देख के मैं जब मैं बाहर निकला, तो मतलब उस बिहाफ पे स्टोरी में बात बताता हूँ, मतलब आपको स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, स्पॉइलर तो ऐसे क्या ही दूँ, कहानी जो है आपको पता चलेगी, ऑब्वियसली ट्रेलर देखेंगे तब आपको पता ही चल जाएगा कि एक आपने जो स्टोरी देखी होगी जो बॉलीवुड मूवीज़ में हम देखते हैं कि एक बंदा होता है वो एक जगह पे रहने आता है, उस बंदे को वो जगह बहुत अच्छी लगती है, वहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे हैं, उसके दोस्त बन जाते हैं, अब वहाँ पर लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उसको वो बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट मिलता है। अब ये जो बंदा है जिसको वो लड़ने का काफ़ी ज़्यादा हुनर है, बहुत प्रो लेवल का खिलाड़ी है, अब यहाँ पर इसको दिखने को मिलता है कि यहाँ माफिया भी है जो लोगों को तंग कर रहे हैं, उनको बिना वजह परेशान कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तब ये अपने दोस्तों कैसे बचाता है या फिर जो वहां पर रह रहे लोग हैं उनको कैसे बचाता है, इन सब चीजों को यहां पर दिखाया गया है। ऑब्वियसली वो माफिया को खत्म कर देते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है या इस तरीके की जो स्टोरी है, हमने काफी सारी मूवीज के अंदर देखी हुई है, चाहे वो हिंदी मूवी हो, चाहे वो हॉलीवुड मूवी हो, हमें ये जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, चाहे वो एक विलेन के रूप में आता हो, वो बाद में हीरो बनता हो, या फिर वो एक इंस्पेक्टर या फिर पुलिस फोर्स के अंदर रूप में आता हो, फिर वो बाद में हीरो बनता हो, इस तरीके की मूवी हमने देखी हुई है। बावजूद इसके कि वो ही सेम कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन फिर भी ये मूवी हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, एंटरटेन हमें करती है, शायद इसलिए कि हमें लगता है कि यार इस इंसान के साथ पंगे लेंगे तो इन माफिया वालों का क्या होगा, हम वो देखना चाहते हैं, वो एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर बनी रहती है कि यार इसके साथ पंगे लेने हैं बस इन्होंने, ये कितने बड़े माफिया हों लेकिन इसके साथ पंगे लेके देख, ये तेरे मतलब बैंड बजा के रखते हैं, वो वाली फीलिंग आती है इस मूवी को देखते वक्त। वो एक एक्साइटमेंट मेरे अंदर बनी हुई थी जब मैं इस मूवी को देख रहा था, जैसे इसका इंट्रोडक्शन हमें दिखाया जाता है कि भाई ये बंदा बहुत अच्छी लेवल की फाइटिंग करता है, इसको गन बहुत अच्छी चलानी आती है। जैसे आपने जॉन विक मूवी देखी होगी, तो जॉन विक का आप एक एग्जांपल ऐसे लीजिए कि वो एक ऐसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे माफिया है, अब माफिया तंग कर रहे हैं, तो जॉन विक को जब गुस्सा आता है तो उनका क्या हाल करता है, आपने फर्स्ट मूवी के अंदर देखा होगा, तो वो एक फील होती है ना, वही इसके अंदर आपको फील आएगी। अब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि आप जॉन विक मूवी को कंपेयर करिए आप इक्वलाइजर के साथ, नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह पर काफ़ी अच्छे मूवी हैं। इक्वलाइजर जो 3 मूवी है उसमें एक डिसेंट स्टोरी दिखाई गई है, इमोशनल एंगल भी इसके अंदर डाला गया है, वो आपको इमोशनल करता है, और जिस तरीके की जो फाइट है, फाइट देखो इसके अंदर कम है, लेकिन जिस तरीके की फाइट दिखाई गई है वो काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, और आपको मतलब जो देख के लगेगा कि यार ये जो बंदा है इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइट करनी आती है, काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, बिल्कुल भी डर नहीं होता, बेझिझक होता है, और मतलब जो वो बात करता है उसके जो डायलॉग होते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया लेवल के होते हैं। तो कुल मिलाकर मूवी आपको एंटरटेन करती है, इंटरेस्टिंग है, मतलब स्टोरी भी बढ़िया है, और आपका इंटरेस्ट इसके अंदर बना रहेगा शुरू से लेकर आखिर तक, भले ही वही कॉन्सेप्ट हमने बार बार देखा हो, लेकिन फिर भी ये मूवी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप वन टाइम इस मूवी को जाकर जरूर देखें। हिंदी डब भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, हाँ ऑब्वियसली मैंने इसका इंग्लिश डब नहीं देखा है, हिंदी डब ही मैंने देखा है, और अब जब ये मूवी मैंने देखी है, इसकी थर्ड मूवी देखी है, तो अब मन कर रहा है तो जाकर इसका सेकेंड और फर्स्ट पार्ट जो है मैं इसका देखूँ, और डेफिनेटली मैं
सकूँगा और उसका रिव्यू हम ज़रूर करेंगे, कोशिश रहेगी करने की। तो देखो मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 7.5 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, नहीं देखी तो जाकर देखिए अगर आप लोगों के आसपास में थिएटर में लगी हुई हो, और नहीं मतलब लगी हुई है तो कुछ टाइम वेट कर लीजिए, शायद ये OTT पर आ जाए तब आप इस मूवी को वहाँ पर देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।